नमस्कार, सर्च इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि नेगी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कासगंज से। जी हां, थाना सहावर में एक महिला सिपाही ने खुद के दुपट्टे को क्यों बनाया फांसी का फंदा। जी हां, एक महिला सिपाही ने अपने अधिकारी की रोज रोज के मेंटल टॉर्चर से परेशान होकर फांसी लगाने का प्रयास किया, जिससे वहां कोहराम मच गया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। कासगंज के थाना सहावर में थाना अध्यक्ष द्वारा सभी महिला कांस्टेबल को मेंटली टॉर्चर करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक 2019 बैच की महिला कांस्टेबल इतनी बुरी तरह प्रताड़ित हुई कि उसने कोतवाली परिसर में ही फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। किसी तरह वहां के स्टाफ ने उक्त महिला कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला सिपाही द्वारा लिखा हुआ एक सुसाइड नोट, सुसाइड करते हुए फोटो भी वायरल हुए हैं और अब आपको सुनाते हैं उक्त महिला की आप बीती। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च इंडिया न्यूज। आराम से रो नहीं। थाना अध्यक्ष द्वारा सभी महिला कांस्टेबल को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं थी कि आप कुछ करें। इसी की वजह से हमने जो किया, इसने मुझे कुछ बोला है, मैंने बोला इसे मगर सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसने आके रपट लिखा दी हमारे, मगर सर हमें पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे मगर सबको होती है, कह रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर सर अगर इतना टॉर्चर करोगे तो मैं तो सुसाइड कर लूँ, कह रहा कर लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो ऐसी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की अपनी या नहीं? ऐसा कितने समय से भैया परेशान कर रही है? अब क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसे सही से सबक मिल जाए, कभी किसी महिला कांस्टेबल को ऐसे टॉर्चर ना करे, बस ये। इसी वजह से सारी महिला कांस्टेबल परेशान है पिछले एक महीने से। अच्छा, आज जो आपकी जो स्थिति है इसके जिम्मेदार कौन है? अभियोग थाना अध्यक्ष और कोई नहीं है। क्या नाम है थाना अध्यक्ष? राजेश कुमार मीना। और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है, ना ही मैं अपनी फैमिली से परेशान हूँ, ना ही मैं किसी से परेशान हूँ। मेरी अभी नई शादी हुई है, मेरे घर वाले मुझे नौकरी छुड़वा देंगे, अगर पता चल जाएगा तो इन्हें और बता देंगे सही से। क्या आपने कोई सुसाइड नोट वगैरह में लिखा था? हाँ, मैं लिख के ग्रुप में डाल रखा है, जो चीज जो भी कर रही हूँ मैं थाना अध्यक्ष की वजह से कर रही हूँ और किसी की वजह से नहीं कर रही हूँ। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।